हेलो नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको समीकरण वाले क्वेश्चन बताऊंगा वैदिक मैथ के। वैदिक मैथ के अंदर जो आपके समीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हम सरल करेंगे। तो मैं आपको चार टाइप बताने वाला हूँ। उसके कितने टाइप बताने वाला हूँ? चार टाइप। यदि चार टाइप आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके जो चार नंबर है वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि चार नंबर में से आपके दो नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है समीकरण वाला, और एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन लेता हूँ। जैसे इक्वेशन हमें दी गई है 13x-14 और इक्वल में है आपका 9x+10। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 13x-14 = 9x+10। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वैदिक मैथमेटिक्स से इसको सोल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे और इसको डी मान लेंगे। ओके, यानी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 13। एक्स इसके साथ नहीं लेना है। उसके बाद में बी की वैल्यू कितनी है, -14, और सी की वैल्यू कितनी है, 9, और डी की वैल्यू कितनी है, 10। ओके, अब हमें एक सूत्र लगाना है यहाँ पर, एक्स बराबर डी माइनस बी बटे ए माइनस सी। एक्स बराबर डी माइनस बी बटे ए माइनस सी। अब एक्स बराबर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो डी की वैल्यू है वो आपके पास है 10। 10-B की वैल्यू कितनी है, -14 है, तो प्लस का 14 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 13, और -C की वैल्यू कितनी है, 9। अब 10 और 14 कितने हो गए आपके, 24, और 13 में से 9 माइनस करें कितने आएंगे, 4। 4 को 24 से डिवाइड करें, भाग दें तो कितने आ जाएगा, 6। तो एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी, 6 आएगी, यानी एक्स का मान 6 आ जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आपके, सेकेंड टाइप का जो इक्वेशन आएगा वो आपके इस टाइप का आ सकता है। ओके, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी वज्र गुणा करना है। यानी 3 है उसको आप गुणा करोगे 2x+1 से, और इक्वल 1 को आप गुणा करोगे 3x+4 से। अब इसको गुणा करेंगे, 3 को 2x से गुणा करेंगे तो 6x, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। 1 को 3x से गुणा करेंगे 3x, और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। अब आपको क्या करना है, इसको आप a मान लेते हैं, इसको b, इसको c मानना है, इसको d मानना है। यानी a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 6, और b की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3, और c की वैल्यू आपके पास 3, और d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4। यानी सभी जो नंबर है वो आपके प्लस के हैं। तो आपको फॉर्मूला आपको लगाना है, x बराबर d-b बटे ए माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अब एक्स बराबर डी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 4-B की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6, और -C की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/3। तीसरे टाइप में आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, जो थर्ड टाइप है, इसमें आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, x+1 x+2 = x-3 और x-4। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले हम गुणा कर देते हैं, यानी इस एक्स को हमें गुणा करना है इस x+2 से, और +1 को किसे गुणा करना है, x+2 से, और उसके बाद में इसको गुणा करना है, इस अक्ष को गुणा करना है x-4 से, और इस -3 को इस x-4 से। अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे, x² अक्ष को 2 से गुणा करेंगे, 2x, प्लस 1 को अक्ष से गुणा करेंगे, 1x, और 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2। इक्वल में अक्ष को अक्ष से गुणा करें, x² और अक्ष को -4 से गुणा करें, -4x। -3 को अक्ष से गुणा करेंगे, -3x, और -3 को -4 से गुणा करेंगे, प्लस के 12। यानी जो माइनस के नंबर हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, गुणा होते हैं, तो चिन्ह है वो प्लस का आता है। अब x² 2x में 1x ऐड करेंगे तो कितने आएंगे, 3x, प्लस के हैं 2 इक्वल, और x² ये दोनों माइनस माइनस के नंबर हैं तो ऐड हो जाएंगे, और चिन्ह है वो माइनस का आएगा, तो -7x, प्लस के हैं 12। अब x² + 3x + 2 इक्वल के बाद जो निशान है वो नंबर है वो चेंज हो जाते हैं, तो -x² और ये +7x हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा।
इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब 3x+2, 3x+2, और ये इस इक्वेशन के अंदर है तो इसको हमें इक्वल में लेना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 7x और ये आपका हो जाएगा प्लस के 12, यानी माइनस का 7x, इसके जो निशान है वो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 12। अब आपको सूत्र लगाना है, सूत्र मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक्स बराबर डी माइनस बी बटे ए माइनस सी। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है, -7, तो प्लस का हो जाएगा, 12 में से 2 जाएंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 10, और 3 7 आपके कितनी हो जाएंगे, 10, 10 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स की वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ये आपके चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में इस टाइप का आपके क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो क्या दे रखा है हमें, 4/x+2 -3/x+5, इसके इक्वल में क्या है, 0। तो हमें क्या करना है, जो माइनस का है तो ये इक्वल में जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो इक्वल में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सबसे पहले इसको इधर भेजेंगे इस नंबर को, तो 4/x+2 ये माइनस का है तो इधर जाएगा, 0 के तो ये प्लस में हो जाएगा, 3/x+5। अब ऐसी प्रक्रिया यदि हमारे पास सामने देखने को मिलेगी तो हमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्र गुणा करेंगे। 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 को हम गुणा करेंगे x+5 से, ओके, और 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 को हम गुणा करेंगे x+2 से। अब हमें करना है 4 को x से गुणा करेंगे 4x, और 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, और 3 को x से गुणा करेंगे 3x, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तो वैसी एक जो सीधा इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुका है, तो इसमें हम ए बी सी डी की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20, और सी की वैल्यू हमारे पास है 3, और डी की वैल्यू हमारे पास है 6। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो एक्स बराबर फॉर्मूला है डी माइनस बी बट्टे ए माइनस सी। तो एक्स इक्वल डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, माइनस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। अब 6 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 14, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1, तो 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस का 14, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का 14। चार जो पार्ट है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, फोर जो टाइप है मैंने इक्वेशन से यानी समीकरण से रिलेटिव जो पार्ट थे चार वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं आपको दो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बता रहा हूँ, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि उन चार पार्ट से ही रिलेटिव ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि हमारे सामने आ जाता तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम इधर भेजते हैं, यानी m/x+a, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस में हो जाता है, तो ये प्लस का है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी -n/x+b, -n/x+b, ये माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो। अब इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी वज्र गुणा करना है। तो m को किसे गुणा करोगे, x+b से, और माइनस जो n है इसको आप गुणा करोगे x+a से। अब m को x से गुणा करेंगे mx, और m को b से गुणा करेंगे mb, इक्वल में माइनस n को x से गुणा करेंगे -nx, और माइनस n को a से गुणा करेंगे माइनस का na। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, और ये है डी। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बराबर क्या होता है, एक्स बराबर होता है आपका डी माइनस बी बट्टे ए माइनस सी। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है -n/(n)a, और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास mb, और अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है m, और माइनस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का n है तो ये प्लस का हो जाएगा, ओके। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, यानी हम माइनस कॉमन लें,
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एन ए, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का एम बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके, एम प्लस एन, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एक्स प्लस बी बट्टे पी बराबर सी एक्स प्लस डी बट्टे क्यू। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है, यानी ए एक्स प्लस बी को किससे गुणा करना है, क्यू से, क्यू को आप किससे गुणा करेंगे, ए एक्स प्लस बी से, और उसके बाद में पी को किससे गुणा करेंगे, सी एक्स प्लस डी से। अब इसको गुणा करते हैं तो क्यू को ए एक्स से गुणा करते हैं तो क्यू ए एक्स आ जाएगा, और क्यू को बी से गुणा करेंगे तो बी क्यू, और इक्वल पी को सी एक्स से गुणा करेंगे तो पी सी एक्स आ जाएगा, और पी को डी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी डी। ये आपका है ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये आपका डी। अब आप सूत्र लगाते हो एक्स बराबर डी माइनस बी बट्टे ए माइनस सी, तो एक्स बराबर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस डी की वैल्यू हमारे पास है पी डी, यानी इसको डी पी भी लिख सकते हैं, डी पी भी लिख सकते हैं, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी क्यू, और अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू ए, और उसके बाद माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू सी, पी सी है, सॉरी कितना है, पी और सी है। अब हमें इसको क्रम से भी हम लिख सकते हैं इसको, यानी यहाँ पर डी पहले आएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो वर्ड है उसमें डी पहले आता है और पी बाद में आता है, और यहाँ पर बी क्यू, ये एकदम राइट है, अपॉन क्यू ए, इसमें पहले ए आता है उसके बाद में क्यू, माइनस यहाँ पर पहले सी आता है उसके बाद में क्या आता है, पी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।